इंडिया था, अगर इंडिया यहाँ पर एशिया को खेलने नहीं आएगा तो हम भी इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, लेकिन इंडिया यहाँ पर एशिया कप तो खेलने नहीं आ रहा है, साथ में हम भी इंडिया जाने को भी तैयार हो गए, आईसीसी को ये पीसीबी ने कह दिया, तो क्या कहते हैं इस वाले से आप? पहले मैं इतनी बातें की, आप हमें इंडिया भी जाना पड़ रहा है? नहीं जाना पड़ना तो पहले भी आई है, जितना हमारे चेयरमैन साहब स्टेटमेंट दे रहे थे वो तो सब बातें थी, क्योंकि आपको पता है बीसीसीआई जो है वो सब पैसा देता है आईसीसी को। हमारी दोनों बातें नहीं मानी गई हैं ना, एशिया कप में इंडिया टीम आ रही है यार, वही बात है ना, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी वीक है कि हमारी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है, हमारा इतना इन्फ्लुएंस ही नहीं है, बस बातें कर सकते हैं हम, प्रैक्टिकल में हम अभी तक फेल ही हैं। हमारी जो पॉलिसी थी वो ये थी कि हमने इंडिया में नहीं जाना, आपको पॉलिसी जिस तरीके से कही कि ये गुजरे खारजा मुलाकात हुए शंकर की और जो अपना हमारे बिलावल की, तो बिलावल ने वहाँ अपना मौका पड़ा रीजनेबल तरीके से पेश किया और उसको बड़ी ग्रिप है इस बात के ऊपर, और फौरन ही हमारी पॉलिसी जो थी डिप्लोमेटों ने फौरन तब्दील करके आज ही हालिया जो तब्दीली आई है, तो बिल्कुल पूरे मुल्क के जो होनहार तलबा हैं और जो खिलाड़ी हैं हमारे क्रिकेट के, हॉकी के जो कौमी हीरो हैं, तो उनको किसी भी मुल्क में जाना चाहिए ताकि मुल्क का नाम पैदा हो। चले ठीक है, इस बात की हमें खुशी है कि इंडिया जाके हम लोग खेलेंगे वर्ल्ड कप, क्योंकि हम लोग क्रिकेट फैन देखना चाहते हैं क्रिकेट, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में या कहीं थोड़ी सी ये भी आ रही है कि यार हमने इंडिया को पहले इतनी बातें कर दी है कि हम उनके बगैर सारा कुछ कर लेंगे, अब जो है हमें यूट लेना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का बात भी है, इंडिया की जल्दी है, इसके वजह से इंडिया की जल्दी आ रही है, शुरू की जल्दी आ रही है, इनको भी समझ आ रही थी कि ये जो इंडिया के आगे बातें करी जा रहे थे इनको पता था भी एंड पे यूट लेना है, पाकिस्तान की बदनामी होनी है, ये तो भाई इनको मसला है, दिमाग थोड़ा सा हिल गया है, ये ठिकाने पर लाना पड़ी जा सके, अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो इतनी लगाए बैठे रहे कि हम इधर नहीं जा सकते और यहाँ पे और ये कहेंगे हम भी नहीं, ये बस ना पीढ़ी का प्रेशर है। नजम सरी ने तब भी कहा था कि अगर उनका बयान सुना, उन्होंने कहा अगर हमें हमारे जो हैं गवर्नमेंट आई है अगर हमें कहेगी तो हम जाएंगे, अगर ये नहीं कहेगी ना तो हम नहीं जाएंगे। मेरा ख्याल ये अगर इनकी जगह नजम सरी की जगह होते ना दूसरे क्या नाम है चेयरमैन है अमीर राजा साहब, तो वो बिल्कुल भी इसके खिलाफ में आते, उससे बड़े मुनाफिक है वो टीम से, पहले जब आने से पहले चेयरमैन बने थे पहले किस तरह ही बातें करते थे, जब वो चेयरमैन बने तो जी को बड़ी बातें करने लगे, पहले कहते थे बाबर आजम और रिजवान टी ट्वेंटी के प्लेयर नहीं है, बाद में जब चेयरमैन बने तो फिर उनकी तरीके करने लगे, इसके लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत जरूरी है, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो तब हम नहीं जा सकते, ये जो हमारे जो भी चेयरमैन बनते हैं जो भी जब पावर में आते हैं तो इनके जो है मुनाफिकत आ जाती है, ये तो हकीकत बात है, जब जब के पास छोड़ते थे तभी वो ये बयानिया था कि अगर इंडिया यहाँ पर एशिया को खेलने नहीं आएगा तो हम भी इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, लेकिन इंडिया यहाँ पर एशिया कप तो खेलने नहीं आ रहा है, साथ में हम भी इंडिया जाने को भी तैयार हो गए, आईसीसी को ये पीसीबी ने कह दिया, तो क्या कहते हैं इस वाले से आप? पहले मैं इतनी बातें की, आप हमें इंडिया भी जाना पड़ रहा है? नहीं जाना पड़ना तो पहले भी आई है, क्योंकि जितना हमारे चेयरमैन साहब स्टेटमेंट दे रहे थे नहीं वो तो सब बातें थी, क्योंकि आपको पता है बीसीसीआई जो है वो सब पैसा देता है आईसीसी को, इस वजह से उनका आईसीसी का जो चेयरमैन है वो भी इंडिया की है, तो जो उसका फैसला करना था वो हमें मानना पड़ना था, ये तो ऐसे जितने लगा के बैठे जैसे टॉमेंट जाए नहीं होते, वो एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते, के बगैर भी नहीं सकते, पाकिस्तान का भी इशू बना हुआ है, इंडिया ना पाकिस्तान के बगैर रह सकता, पाकिस्तान इंडिया के बगैर रह सकता, लेकिन फिर भी दोनों अपनी जिद पकड़े हुए हैं, इसी तरह ही है, बिल्कुल बच्चों वाली जिद पकड़ के बैठे हुए, लेकिन करना तो पड़ेगा कुछ, क्योंकि बच्चों की जरा जिद अगर पकड़ के बैठ जाएंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं, बिल्कुल आपने सही है कि दोनों मुल्कों को नुकसान होगा, अगर देखा जैसे इंडिया होस्ट करे तो इंडिया कह लें कि सबसे बड़ा जो क्रिकेट लेजेंड है वो भी माने जाते हैं, प्लेयर हमारे जो बॉलर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, इन दोनों का जब कंपैरिजन होता है तो मैच देखने का मजा ही आ जाता है, बिल्कुल इसी तरह ही आप देखें भी एक मैटर करता है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो हमारे से काफी ज्यादा है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो कम है, अब इसी तरह जब मैचेस होते हैं तो जाहिर बात है उनको सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, कुछ जब क्राउड आते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट अपने वो जो है इनकम अपने साथ लेके आता है, अब जब पाकिस्तान के अंदर रहेंगे तो पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि नजम सेठी जो है वो चाह रहे हैं कि हम कुछ पैसा कमाएं कुछ बनाए, और इंडिया वाले वो भी इसी सोच के साथ बैठे हैं कि वहाँ पे शार्क टैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अप्रोच करते हैं कि बिजनेस को आगे चलाया जाए, तो वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास आए लोग हम कुछ पैसा कमाए, लेकिन अब दोनों की चल रही चाह सब रहे हैं लेकिन बन नहीं रहा कुछ भी, नवाज शरीफ की तरह कोई मैसेज इंटर करना चाहें, मैं यही कहूँगा कि कोई आप दरमियानी राह निकालें और मैच होने चाहिए आपस में खेलें, एक जो मैच है स्पोर्टमैनशिप है वो आपको एक सबक देती है कि आप अच्छा जो है वो मैसेज कन्वे करें, पेशेंस है और ये है कि आप लोग बैठे मिलजुल के खेलें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला सर। अब्दुल्ला क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ और ट्रेडिंग करता हूँ। ओके, चलो मेरा आज का सवाल ये कि जब से सुनने में ये है कि पाकिस्तान एशिया कप को होस्ट करेगा और इंडिया वर्ल्ड कप होस्ट करेगा, दोनों मुल्कों के दरमियान में टेंशन नजर आती है, हम लोगों को पॉलिटिकल भी देखा जाए और वैसे भी अगर देखा जाए, कभी पाकिस्तान कहते हैं कि हमें वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाता, कभी इंडिया कहते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को बायकॉट कर देना चाहिए वर्ल्ड कप और वहाँ पर नहीं जाना चाहिए? देखिए हर चीज को जो है ना पॉलिटिक्स से रिलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ये किया गया कि हमने कोई कोई बिजनेस की तरफ जाना हो, हमने क्रिकेट की तरफ जाना हो, किसी भी स्पोर्ट की तरफ जाना हो तो हम अगली टीम के साथ जो है ना वो हमेशा पॉलिटिक्स कर लेते हैं, रिलीजन कर लेते हैं, इसराइल से नहीं खेलते कि जी वो जो है ना वो पूरे टीम को साथ नहीं करता, हम जिस में हमेशा जो है ना वो पॉलिटिक्स में ले जाते हैं, जिसके लिए जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है हमारे मुल्क के अंदर वो तो ट्रेड होता है या दूसरे नंबर हमारी स्पोर्ट्स है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि अक्सर हमारी फुटबॉल जो बास्केटबॉल्स के हैं या बिल्कुल किसी भी स्पोर्ट्स के हैं वो खेलते हैं, इसमें से जो हमारा टीम का जो बंदा है वो डिफरेंट कंट्री का जिसके जिसका जिससे हमारा मुल्क जो है ना वो अच्छा तालुका भी रखता सेम है, इस बार भी हुआ जो कि हमेशा होता रहा कि हमने हमेशा इंडिया के साथ जो है ना वो जो है वो उनके साथ सही ज्यादा किया हमेशा, और इस बार उनका टाइम आया दो तो बल्कि आया क्योंकि हमने भी एशिया कप करना है और उन्होंने वर्ल्ड कप करना है, और इसी तरह हमने जो यहाँ पे पकड़ी हुई ये पकड़ी हुई है कि आप एशिया कप के लिए तो वर्ल्ड कप के लिए वर्ल्ड कप लेंगे, मगर अगर इस पर देखा जाए तो जो हमारे एशिया कप के चेयरमैन है वो इंडियन है तो ज्यादा प्रेशर उनकी तरफ से है, अगर हम एशिया कप नहीं भी खेलने जाते वो वर्ल्ड कप भी अपने मुल्क में कराएंगे और एशिया कप तो फिर भी खेलेंगे
तो इसके लिए कोई बीच का रास्ता जो है वो जाहिर पता है हमारे जो चेयरमैन बीच का रास्ता यही है नजीब सिटी ने भी कहा ठीक है हम आपको ऑफसेट वेन्यू भी प्रोवाइड करेंगे अगर ये बात है कि इंडिया पर नहीं खेलना चाहिए तो हम कोई कह लेंगे दुबई अल्टरनेटिव फाइनल कर लेते हैं वहां पर इंडिया अपने मैचेस खेले लेकिन फिर भी पाकिस्तान ये बात अपने ईगो पे लेकर रहे कि नहीं इंडिया को यहां ही मैचेस खेलना चाहिए। एशिया कप वर्ल्ड कप 2023 को लेकर पाकिस्तानी जनता का बयान, जिस तरह एशिया कप को लेकर पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान आए हम उनका अच्छा स्वागत करेंगे भारत को प्यार करेंगे और पाकिस्तानी टीम भी भारत जाएगी और वर्ल्ड कप खेलेगी, इसी में चेयरमैन नजीम सेठी बयानबाजी कर रहे हैं पाकिस्तानी वर्ल्ड कप से बायकॉट करेगा, हमें भारत से शर्त मंजूरी चाहिए।